दीपिका ने की ट्रोलर्स की बोलती बंद। ट्रोलर्स ने लगाया शोएब पर पत्नी की कमाई खाने का आरोप। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ऑन स्क्रीन पॉपुलर जोड़ी होने के अलावा ऑफ स्क्रीन भी फैंस के फेवरेट कपल्स में से एक हैं। इस बीच हाल ही में ससुराल सिमर का 2 सीरियल की वापसी हुई, जिसकी शूटिंग के लिए दीपिका कक्कड़ को घर से बाहर निकलना पड़ा। ये बात कुछ लोगों को जमी नहीं और उन्होंने उनके ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में शोएब को भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। अब दीपिका और शोएब दोनों ने ट्रोल करने वालों की बोलती बंद कर दी है। दीपिका और शोएब ने एक वीडियो के माध्यम से ट्रोल्स को लताड़ा है। वीडियो में सबसे पहले शोएब ने कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह पेंडेमिक और खतरनाक होता जा रहा है। शोएब ने बताया कि पेंडेमिक में भी काम करना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट से कई लोग जुड़े होते हैं, इसलिए अगर काम बंद हो जाता है तो उन लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। वहीं दीपिका ने कहा कि कुछ लोग उनके पति यानी शोएब को और उनके परिवार को ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि वो दीपिका को काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं और शोएब घर पर बैठकर दीपिका के पैसों पर मौज कर रहे हैं। इन ट्रोल्स का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने आगे कहा कि उन्हें ऐसे लोगों की सोच पर दया आती है जो नफरत और ऑनलाइन गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि शादी के बाद काम करना उनकी अपनी चॉइस है और उनका परिवार एक्ट्रेस के इस फैसले की इज्जत करता है। वेल, क्या कहना है आपका, शोएब और दीपिका का जवाब सुन बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।